एक ओर जहां शासन और प्रशासन लगातार महिला अपराधों की रोकथाम और उनके त्वरित निराकरण हेतु प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर मारपीट और दहेज प्रथा के प्रकरण भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ऐसा ही मामला थाना खुजनेर क्षेत्र का है, जहां 10 जुलाई को फरियादी रामकलाबाई की रिपोर्ट पर पति दिलीप राजा समेत ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज हुआ है। इसके बाद पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार। दिनांक 10/7/19 को हरियालिया रामकला बाई पति दिलीप उर्फ राजा निवासी चिल्लावर थाना जीरापुर हाल कंपू ग्वालियर के की रिपोर्ट पर उसके पति दिलीप उर्फ राजा पिता प्रेम सिंह सोंदिया प्रताप सिंह पिता प्रेम सिंह सोंदिया कौशल्या बाई पति प्रताप सिंह सोंदिया कंचन बाई पति प्रेम सिंह सोंदिया और ससुर प्रेम सिंह सोंदिया निवासी ग्राम लाठिया थाना खुजनेर जिला राजगढ़ के विरुद्ध जिले में प्रचलित दहेज प्रथा व नात्रा प्रथा नात्रा झगड़ा प्रथा के तहत रुपए लेके रहने के लिए फरियाद रामकला बाई सोंदिया पर दबाव बनाकर प्रताड़ित कर रहे थे, जिस पर थाना खुजनेर पर अपराध क्रमांक 140/19 धारा 498/34 इजाफा धारा 384 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण पंजीबद्ध होने के दिनांक से आज तक उपरोक्त आरोपी गणों की तलाश हेतु भरसक प्रयास किए गए, परंतु आरोपी गण पुलिस की जद से बाहर थे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ के मार्गदर्शन में थाना हजार के अधिकारी कर्मचारियों के अथक प्रयास में आज दिनांक 29/7/19 को उपरोक्त आरोपी गणों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी गणों की गिरफ्तारी उपरांत इन्हें माननीय न्यायालय राजगढ़ पेश किया गया।